नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मिंटीज आर्ट में स्वागत है। ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है जो मैं आज अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी मौली, इसको हम कलेवा भी बोलते हैं और रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, उससे एक वॉल आर्ट जिसमें गणपति बनेंगे। जिसके लिए जो चीज़ें लगनी है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। उसके लिए हमको लगेगा ये सूपा, जो कि इजीली किसी भी पूजा की दुकान में मिल जाता है। आप ये किसी भी साइज़ का ले सकते हैं, ये डिपेंड्स कि आपको कितने बड़े गणपति बनाने हैं। उसके बाद इसमें लगता है गणपति जी का कटआउट, जो मैंने ये शीट में काट लिया है, ये आप देख सकते हैं कार्डबोर्ड में स्टेंसिल्स काट के रखे हुए हैं और इनको मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। उसके अलावा इसमें लगेगा मेन सबसे है ये कलेवा, ये जो कि पूजा की दुकान में इजीली मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये डोरी बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही खूबसूरत होती है, रक्षा सूत्र। उसके अलावा इसमें लगेगा आपको एक्रिलिक कलर ऑफ योर चॉइस, वैसे मैंने मरून लिया है, आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। मैंने फैब्रिक कलर लिया है ये मरून कलर का। उसके अलावा ये कोई भी ग्लू ले सकते हैं, मैंने फेविकॉल लिया है पर आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। सीजर, पेंट ब्रश, डेकोरेशन के लिए कुछ इस तरीके की चीज़ें, पर्ल्स, मिरर्स और ये टेसल्स हैं, आप ये ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। ये आपका ये सूपा है, सूपे में मैं सबसे पहले बेस तैयार करूँगी और बेस तैयार करने के लिए मुझे चाहिए ये मरून कलर और ये ब्रश। तो सबसे पहले हम इसको पेंट कर लेंगे और पेंट करने के बाद आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये सूपा को कवर कर रहे हैं। मरून कलर वैसे भी शुभ माना जाता है और मैंने कलेवा थोड़ा लाइट कलर का लिया है, ऑरेंज और येलो में, तो इसलिए मुझे बेस उसका थोड़ा डार्क कलर का रखना था कंट्रास्ट में। जो मैंने ये लिया हुआ है कटआउट्स है जो गणपति के, वो या तो आप इस पे रख के स्टिक कर सकते हैं या सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक्चुअली इसमें स्टिक करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से उभरे हुए गणपति चाहिए हैं। कुंदन लगाते हैं, मोती लगाते हैं, तो आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ। हालांकि इससे कुछ लोग चाहें तो यहाँ पे ऐसे मोती भी लगा सकते हैं। मैं मिरर लगाने वाली हूँ तो वो मैं पूरा स्टिक करके और फिर आपको शो करूँगी वीडियो में, जिससे कि ये और इजी आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे ये कुछ मिरर्स जो हैं बॉर्डर पे लगा दिए हैं जो कि ऑलरेडी सूख चुके हैं, बाकी मैं अभी लगा रही हूँ तो आप वो देखिए कि कैसे लगा। Thank you.
जैसे ये, ऐसे ही यहाँ पे जितना भी वाइट पोर्शन, जैसे इनके हम एक दंत बोलते हैं, एक दांत होते हैं गब्बप्पा के, तो ये एक दांत छोड़ देंगे, कमल छोड़ देंगे, उसके अलावा जितना भी हमको एरिया दिख रहा है गब्बप्पा का, हाथ पैर, इनके ये धोती वगैरह जो भी है, वो सब हम मौली की मदद से, रक्षा सूत्र कलेवे की मदद से भर देंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये जो कलेवे का काम कंप्लीट किया है, अब मैं ये थोड़ा सा इनके जो हाथ में कमल का फूल है उसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो मेरे पास ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन एज आई टोल्ड यू, तो मैं जो भी लिमिटेड है उसी में कोशिश कर रही हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कुछ दिखे, कुछ बने। तो अब मैं सबसे पहले इनको तिलक लगा देती हूँ। अब पूरी तरीके से पप्पा जो है उनकी आईज पे मैंने जो भी इफेक्ट देना था दे दिया है, और मैं बाकी का इसको अब ड्राई होने दूंगी इनको, और फिर कल बताऊंगी आपको। तो आप ये देखिए कि मैंने यहाँ पे जो कलेवा लगाया था उसके पर गोल्डन चेन लगाई थी डेकोरेशन के लिए, ये कुछ ग्रीन स्टोन्स लगाए हैं, रेड स्टोन्स लगाए हैं, और उसके अलावा मिरर लगा दिया है बाउंड्री पे। अभी इसका डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो मैं अभी यहाँ पे पर्ल की एक माला बना रही हूँ।